तिने क्या खूब कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आप अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 17 जनवरी दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों का सावधान रहना होगा, और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आइए इस वीडियो आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आए इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, भोलेनाथ बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा भोलेनाथ बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आय के चार नैतिक ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि माता पिता की इन आदतों का संतान पर पड़ता है बुरा प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार माता पिता ही संतान के प्रथम शिक्षक होते हैं, इसलिए संतान को लेकर प्रत्येक माता पिता को अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार माता पिता को संतान की शिक्षा, संस्कार और सेहत को लेकर सदैव गंभीर रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि बच्चों को योग्य बनाने के लिए माता पिता को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे, बच्चे जब माता पिता की अच्छी आदतों ग्रहण करते हैं वही गलत आदतों से भी बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए बच्चों के मामले में चाणक्य इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर एक, आपस में मधुरता से बात करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति की भाषा और बोली जब मधुर होती है तो वो सभी का प्रिय होता है। ऐसे लोग दूसरों से बड़े कार्य निकलवाने में सक्षम होते हैं। संतान की भाषा बोली जितनी मधुर और प्रभावशाली होगी उसकी सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी। मधुरता सभी को प्रिय है, इसलिए माता पिता को आपस में मधुरता से वार्तालाप करना चाहिए। शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे इन्हें सुने तो इनका प्रभाव सकारात्मक पड़े। जो माता पिता इस बात का ध्यान नहीं रखते उनकी संतान को सफलता पाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नंबर दो, घर का माहौल। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार घर के माहौल का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आरंभ से यदि इस बात का ध्यान रखा जाए तो संतान की योग्य बनने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। घर का माहौल आदर्श बनाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। घर में माता पिता को बच्चों के सामने गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। घर का माहौल शांत होना चाहिए, इसका प्रभाव बच्चों पर सकारात्मक पड़ता है और वे जीवन में आने वाले लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। नंबर तीन, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि माता पिता को अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। हर बच्चे में कोई ना कोई खास प्रतिभा अवश्य होती है, इसकी पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए, उन्हें महापुरुषों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आय के पंचांग के बारे में। आय का पंचांग 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार आय की तिथि है, पूर्णिमा तिथि, आय का नक्षत्र है पूर्ण वर्षु नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, ऋतु चल रहा है शिशिर ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है 12:52 से 3:41 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 5। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन। आई जानते कन्या राशि वाले, आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी, आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा, एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं, अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने प्रिय के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी की तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। रात को आज आप अपने किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को बता सकते हैं। सभी प्रकार के काम आपकी मर्जी के अनुसार होने लगेंगे। परिवार के लोगों के साथ आप फिर से करीब महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों के साथ वाद विवाद हुआ था वे अपनी गलती को मानकर आपके साथ संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय व्यवसाय के स्तर पर सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। आपका कोई कर्मचारी ही आपका कार्य प्रणाली का फायदा उठा सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक से डील करते समय अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपको कन्या राशि में धन लाभ का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर रहेगी, घरेलू जीवन उत्तम चलता रहेगा। आप किसी दर्शनीय स्थल की सैर पर जा सकते हैं, उनकी किसी महत्वपूर्ण सलाह से आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वाले, आज एक साथ कई कामों को अंजाम देने की वजह से आप खुद को तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। छात्रों के लिए अवधि मुश्किल भरी हो सकती है, उनकी शिक्षा में बाधाएं संभव है। आपकी संघर्ष क्षमता काफी उत्तम रहेगी जिसके चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे। व्यापारी बंधु इस अवधि में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पैसा कमाने के लिए अनेक हथकंडे आप आजमाने वाले हैं। बुद्धि का प्रयोग
लाभ में वृद्धि करेगा, आय बनी रहेगी, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। लेन देन में जल्दबाजी न करें, आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है, विवाद को बढ़ावा न दें, किसी व्यक्ति के उकसाने में न आए, थकान महसूस हो सकती है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भावना में बहकर न करें। आय का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक साबित होगा, किसी पैसे पर मामले में आप सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें आय अपने अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जिसका प्रेमी रूठा हुआ है उसे अपने प्रिय को मनाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। आज धन से जुड़े जो भी कार्य होंगे उन्हें योजनाबद्ध तरीके से करें। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपको मार्केटिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ऑफिस में काम पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखना आपको मुश्किल लग सकता है। मौज मस्ती पर ही आय आपका अधिक ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सिर्फ आध्यात्मिक काम की वजह से थकान हावी रहेगी। यात्रा के दौरान किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। आय निर्णय न ले पाने के परिणाम स्वरूप नए कार्यों को प्रारंभ करना आपके लिए हितकर नहीं है। अन्य राशि वाले आज जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, साथियों के साथ अच्छी तरह से समय बीतेगा, भावात्मक संबंधों से आप नरम हो जाएंगे, आय पढ़ने में उनका मन लगेगा, रुका हुआ धन अचानक मिलने के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ आय भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। कन्या राशि वाले आय आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, आपको धन लाभ होने की भी अपार संभावना है, पर ध्यान रहे आय यात्रा के लिए बिल्कुल भी शुभ दिन नहीं है, तो अगर आज यात्रा को टाल दे तो अच्छा रहेगा। आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, आपको धन लाभ होने की अपार संभावना बनी हुई है, पर ध्यान रहे आज यात्रा के लिए बिल्कुल भी शुभ दिन नहीं है, तो अगर आज यात्रा को टाल दे और अगर यात्रा बहुत ही अनिवार्य है तो पूरी सावधानी के साथ करें। आज आपका जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। कन्या राशि वाले आप अपने प्रेम का प्रभाव करने में सफल होंगे, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश और संतुष्ट रहेंगे, बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता बना रहेगा, आप अच्छे मित्रों की संगत का आनंद उठा पाएंगे, आप उत्साहपूर्ण रूप से अपने कार्यों को तीव्र गति से करने में सक्षम हो पाएंगे, आपकी कार्य कुशलता और प्रवणता उपलब्धियों और सफलता परिवर्तित होंगी, आप प्रशंसा और पुरस्कार से नवाजे जाएंगे, आपको सभी हलकों से समर्थन मिल पाएगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप सक्रिय ऊर्जावान महसूस करेंगे, आवश्यकता से अधिक खाने से बचें, आया प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, आपको जो भी प्राप्त होगा उसका लाभ और आनंद उठा पाएंगे, आया बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे, आपकी भौतिकवादी इच्छाओं में से अधिकतर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस समय आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, प्रयासित युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समस्या का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी। किसी भी योजना पर अमल करने से पहले उस पर उचित सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा कोई आपकी भावनाओं को नाजायज फायदा उठा सकता है। इस समय कोई भी यात्रा को स्थगित रखें क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आए सोमवार है, भोलेनाथ बाबा का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो भोलेनाथ बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह आपका राशिफल अपने दोस्तों से करना, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।